तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय जीएम मोड के पहले पेपर व्यू में, जो कि है रेसलमेनिया बैकलैश। और यार रॉक और रेसलमेनिया बैकलैश में अब अपनी ब्रांड सुप्रीमेसी को साबित करना ही होगा, क्योंकि यार बैक टू बैक दो हफ्ते रॉक थोड़ा सा डाउन रहा है, और क्यों डाउन रहा है ये आपको पेपर व्यू में पता चल जाएगा। तो भाई ट्रिपल ए ने आज कोई मैसेज नहीं दिया है, कोई कमेंट नहीं किया है, डायरेक्ट बोला है कि मैच की बुकिंग शुरू करो। तो पहले रॉ रेसलमेनिया मैच बैकलैश की मैच की बुकिंग शुरू करा, करो यार अमन भाई। जैसे बुकिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ऊपर फैंस की तरफ दिखाना चाहूंगा, जो कि 12,97,966 है। तो यार मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर हो रही है, बट ठीक है, इतने सारे फैंस हैं रॉ के पास और लास वेगस में हो रहा है बैकलैश। तो यार मेरी बैठी हुई आवाज के साथ चलो चालू करते हैं मैच। बुकिंग स्क्रीन को न्यू लॉजिस्टिक अवेलेबल, रेसलमेनिया बैकलैश का अरीना अवेलेबल है। और आप लोगों को याद होगा, मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोग, पावर कार्ड, जिसमें ट्रिपल एच ने मेरे को फ्री अरीना बुकिंग दिया था। ओहो, तो अब मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ, कर फ्री अरीना बुकिंग कर, ठीक है चलो, जिससे मेरे पैसे बच जाएंगे। बैकलैश के जो मैं अरीना लूंगा तो मेरे पैसे कुछ बचने वाले हैं। ये स्मार्ट मूव था भाई, क्योंकि मैं हाँ चलो ये रहा, हाँ ये इसके कॉस्ट मेरे को लग रहे हैं जीरो, तो इसलिए मैं बचा रहा था कि मैं रॉक के अरीना को पैसे दे के खरीदा था, ताकि बैकलैश के अरीना मेरे को फ्री में मिल सके। चलो ठीक है भाई लोग, अब क्रू का क्या किया जाए, और टैग टीम में जॉर्ज और टाइक, जो मैंने दो ये लिए थे जॉबर्स लिए थे, तो उनके साथ जॉर्ज और टाइक क्रॉस के साथ इन इसकी राइवलरी चल रही है, आस्का और रिया रिप्ली जो कि टैग टीम फॉर्म कर रही है। और यार अपनी जो रॉ वुमेन्स चैंपियन है बेकी लिंच, उसकी राइवलरी चल रही है रिया रिप्ले से। तो यार मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आज यानी कि धाकर मैच देने वाला है। तो दो हफ्ते के रॉ में जो तूने इतनी गंदी गंदी मैचेस दिए थे, तो आज पूरा तू हिसाब बराबर करने वाला है। मैं हिसाब बराबर करने वाला हूं भाई, आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं, देखते तो यार यहाँ एक तरफ नजर डाल लेते हैं फिन बैलर भाई साहब के ऊपर भी, जिसके जियो और डैमियन प्रिस के साथ राइवलरी चल रही है। स्टैमिना बहुत लो है, फिन बैलर का फाइट नहीं कर पाएगा भाई। हाँ बट मैं सोच रहा हूँ ना कि आज के रॉ में कोई प्रोमो कर, आज के रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू भाई, पेपर व्यू वही रेसलमेनिया बैकलैश में कोई प्रोमो कट नहीं करवाऊ, सोच रहा हूँ मैं। बट खैर छोड़ो, फ्री एजेंट्स में देखिए कौन कौन आया, जॉन मॉरिसन, एलायस भी आ गया। चलो यार अच्छे अच्छी चॉइसेस है, बट पेपर व्यू के लिए मेरे को अभी नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। ठीक है चलो लेजेंड्स में देख लेते हैं एक बार, होल्क हॉगन, चलो नथिंग न्यू भाई लोग, कोई चीज न्यू नहीं आई है। चलो यार इस चीज को बढ़ाते हैं, कमिश्नर गोल है कुछ क्या, देखते हैं जनरल में रिडल। सबसे पहले शेड्यूल और रनिंग इन दिस वीक, यार रनिंग तुमको करना पड़ेगा, पेपर व्यू में रनिंग करवा करके मैं मैच खराब नहीं करना चाहूंगा, बट देखता हूँ सोचता हूँ मैं। मैट रिडल, रिडल एक्सपेक्ट्स टू मेक एन अपीयरेंस इन फ्रंट ऑफ हिज होम, अच्छा इसको प्रोमो काटना है या फिर मैच इन प्रोग्रेस चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर गोलबर सर का भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, रेयर प्ले और आज का भी सही वर्कर ही है टैग टीम में। ये तो मैं कर, चलो अब इसकी जरूरत नहीं, चलो यार शो करो यार जल्दी, क्योंकि यार आज की जो वीडियो होने वाली है ना धागड़ होगी ना, और उस वीडियो में हम लोग ज्यादा मैचेस को एक्सपेक्टेड करेंगे, क्योंकि यार पेपर व्यू हो ये। चलो भाई देखते हैं, चलो शो का ओपनर मैच ही बहुत सही होना चाहिए, जो होगा बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ले फॉर टाइटल मैच। ओहो पहले ही में टाइटल मैच, पहले में ही टाइटल मैच में लगाना चाहूंगा। एक्सट्रीम रूल्स, मेरे शो का बजट है 60,000, तो यार एक्सट्रीम रूल्स टीएलसी मैच, इन दोनों का मैच टीएलसी होगा और बहुत सही होना चाहिए इन दोनों का टीएलसी मैच। चलो ठीक है भाई, तो जैसे कि हमें ट्रिपल एच पहले ही बता चुका है कि यार शो का ओपनर और जो मेन इवेंट है वो हाई होना चाहिए भाई, वो बहुत सही होना चाहिए। प्रोमो आज कोई काटेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ कि मिड कार्ड सब मैच प्रोमो, दो मिड कार्ड है भाई। हाँ तो ये पेपर व्यू तो ये होगा, ये ऑब्वियसली ये टैग टीम होगा, ये जो नई टैग टीम फॉर्म कर रही है मेरी, शिंसुके नाकामुरा और फिन बैलर, इनकी राइवलरी भी कंप्लीट करवाई देता हूँ मैं। किसके साथ करवाएगा भाई, समोजो और समोजो और डैमियन प्रीस्ट इनके साथ, और ये एक सही फॉर्मेशन भी होगा, क्योंकि मैं बताऊँ ये हील है एक टीम और एक टीम फेस। चलो ठीक है भाई, चलो देखते हैं, ये तो अच्छी टीम यार, तो आज धाकर पूरा बदले निकालने के मूड में है ना यार, और ये मैं टेबल्स मैच कर अफोर्ड करवा सकता हूँ, करवा सब मैच करवा। और मैं चाहता हूँ ना कि मैट रिडल प्रोमो में सोच रहा हूँ, छोड़ो पहले मैच तो फिक्स कर भाई। मिड कार्ड का एक और मैच होगा ऑब्वियसली, लड़कियों का टैग टीम मैच, इतनी लड़की है भी नहीं भाई तेरे पास। अरे भाई मेरे पास तो इतनी, भाई रैंडी ऑर्टन को तूने काफी टाइम से फाइट नहीं करवाया, करवा दे भाई आज। नहीं मैं फाइट नहीं करवाना चाहता हूँ रैंडी ऑर्टन को, ओके
योविश भाई, इस पेपर व्यू का कुछ और मकसद है। चलो यार, इसमें मैं रनिंग करवा दूंगा इस बेचारी को, जॉबर को रनिंग। चलो यार, तुम अपनी पार्टनर को साथ दे दो। आस्का रहेगी ना वहां पर? नहीं, हाँ आस्का, सॉरी आस्का, माय मिस्टेक। चलो भाई, हो गया। आस्का रनिंग करेगी, और यार तुम लोग भी अपने ऊपर कहिए, काफी मिड मैच में कुछ इंटरटेनिंग मैच हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। उसके बाद मेन इवेंट, यार मेरा चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अपनी राइवलरी फाइनली कंप्लीट करने वाला है बिगी के साथ। चलो, और यार ये मैच होगा टीएलसी हेल इन अ सेल मैच। हेल इन अ सेल मैच के तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो ये मैच भाई तू टेबल्स मैच में कब बेकार में करवा रहा है। नॉर्मल रखना चाहूंगा, नॉर्मल, ठीक है। ये मैच नॉर्मल रखना चाहूंगा, क्योंकि इन दोनों का मैच अपने आप में एक स्पेशल मैच है। ओहो, चलो देखते हैं, रहेगा तो उससे काम चल जाएगा। प्रोमो भी मैं एक चाहूंगा रैंडी ऑर्टन, क्योंकि मैं इसके कैरेक्टर को बिल्डअप कर रहा हूँ। सेल्फ प्रोमो नहीं, कॉल आउट, ओनली सेल्फ प्रोमो। ये हो गया भाई रॉ का पहला, हो रहा है वुमेन्स टैग टीम के लिए बेकी लिंच और रिया रिप्ले। हाँ, चल मैं बता दे अब तुम। दूसरा हो रहा है टैग टीम शिंसुके नाकामुरा और फिन बैलर वर्सेस समो जो है डैमियन प्रेस। मिड कार्ड में आस्का और जॉबर के बीच में मैच हो रहा है। रैंडी ऑर्टन अपना सेल्फ प्रोमो कर रहा है, और मेन इवेंट में बीस्ट इनकार्नेट अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे हैं बिगी के अगेंस्ट। भाई हम लोग इस पूरे पेपर व्यू में दो मैच को स्पेक्टेट करने वाले हैं। पहला तो यार वुमेन्स रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप है ना, और दूसरा वुमेन्स चैंपियनशिप, और दूसरा WWE चैंपियनशिप जो कि ब्रॉक लेसनर। तो चलो भाई लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो स्मैकडाउन में बहुत कुछ हो गया था कंफर्म बुकिंग का। मेरे शो का कॉस्ट देख, $39,500। चलो ठीक है, शो का कॉस्ट अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। चलो ठीक है यार, इस बार लॉजिस्टिक्स कुछ बुक्स नहीं करेंगे। चलो कंफर्म बुकिंग करते हैं। और स्मैकडाउन में जैसा कि आपने लास्ट वीक देखा है, चलो यार ओहो मैसेज आया तुम्हारे लिए। ओ टाइटल शॉट, अन टाइटल, हाउ अबाउट इसको टाइटल शॉट? नहीं नहीं, अभी फेमस है तेरा चैंपियन, नहीं इसको अभी टाइटल शॉट नहीं देंगे। तो किसको दे रहा है पेपर व्यू में? ड्रू मैकइंटायर। आई थिंक ड्रू मैकइंटायर एक रीमैच डिजर्व करता है। तो तू ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट गया, उसके बाद खुद ड्रू मैकइंटायर को टाइटल शॉट दे रहा है? भाई डिजर्व करता है रीमैच, भाई रीमैच क्लॉज। और ब्रॉन स्ट्रोमैन का टैग टीम अभी सही चल रहा है केतली के साथ, उसका कितली के साथ उसका टैग टीम सही चल रहा है। तो भाई मैं उसे फिलहाल नहीं, इसे अभी बिल्डअप कर रहा है तू, इसे अभी बिल्डअप कर रहा हूँ, इसका टैग टीम सही चल रहा है। यार उमंग इसको अभी बिल्डअप कर रहा है, कोई नहीं, आई डोंट थिंक सो ब्रॉन, इसका मोरल डाउन होगा। ओ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मोरल भी थोड़ा। हे शेन, हाँ देखो इसको तो देना पड़ेगा भाई, टीएलसी मैच मांग रहा है। टीएलसी ठीक है, ठीक है हम कोशिश करते हैं। ये देख दो ऑप्शन है तेरे पास, आई नो भाई, दे देते इसको मौका, क्या बोलते हैं? हाँ ना, चलो ठीक है, हाँ चलो आ जाओ भाई, लो भाई टीएलसी में मौका दो। मोरल डाउन हो गया, चलो कोई नहीं, मौका तो दिया। हाँ ये रहो यार स्मैकडाउन का पेज मेरे भाई लोग, ओपनर मिड कार्ड मेन इवेंट। तो ये रहा भाई लोग मेरे स्मैकडाउन का कार्ड। चल यार उमंग बोल। तो भाई आज तो स्मैकडाउन का काफी बजट चल रहा है थोड़ा ढीला, तो फिलहाल भाई तेरा बजट रॉ से ज्यादा है। हाँ रॉ से ज्यादा है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा ज्यादा मैचेस करूं। सबसे पहले मैं अपना पावर कार्ड यूज करूंगा जो कि है मेरा फ्री बुकिंग, नहीं पहले मैच में इस बार फिक्स करूंगा, उसके बाद पावर कार्ड पहले तो यूज करें। हाँ, फ्री अरीना बुकिंग भाई। चलो ठीक है भाई, मेरे वाला काम कर रहा है भाई। चलो ठीक है, स्मार्ट मूव, पेपर व्यू में तो अच्छा अच्छा मैचेस देने हैं भाई मुझे। चलो ठीक है, अब पहले कमिश्नर गोल देख लूं भाई क्या है। कमिश्नर गोल, डू नॉट पुश रोमन एक्स इन अ मैच दिस वीक। ये तो चलो ठीक है, रोमन एक्स तो तुम्हारा मेरे भाई इंजर्ड चल रहा है मेरे दोस्तों, और जिन लोगों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देखो भाई। अब जाते हैं हम बुक शो करने के लिए। देखिए रोस्टर में देखते हैं कि कुछ फ्री एजेंट्स कुछ कोई अच्छा है क्या। देखें जॉन मॉरिसन, एलायस, नियोमी काफी महंगी है यार। मैंडी रोज को मैं लूंगा, बट अभी बाद में, अभी मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। ये देखें सब बहुत महंगा, अभी फिलहाल नहीं। लेजेंड्स में देखें, लेजेंड्स तो कोई चेंज नहीं होगा, वही हो जाएगा। लेजेंड्स में देखें भाई सेम मैंने तो दिखाया भाई, हल्क हॉगन और अंडरटेकर भी है। नहीं अंडरटेकर को भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और कौन बाकी है मिस्टर? नहीं अभी तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, सॉरी। अब शो बुक करते हैं। चलो भाई तुम अपनी बुकिंग स्क्रीन की तरफ आ चुके हो। सबसे पहले चलो खोलते हैं, देखते हैं कौन कौन है मेरा। वुमेन्स टाइटल के लिए कौन है? बेकी लिंच, साशा बैंक इंजर्ड है। तो तू भी पहले वुमेन्स टाइटल करवा रहा है? वुमेन्स टाइटल के बाद वैसे भी साशा बैंक तो इंजर्ड है, 11 स्टेमिना उसका, अभी फाइट कर सकती है, अभी फाइट कर सकती है, इंजर्ड हो जाएगी वो तो, इंजर्ड हो जाएगी तो एक दो नॉर्मल मैचेस में आई थिंक फाइट कर सकती है। हाँ नॉर्मल आई थिंक टाइटल मैच में फाइट कर सकती है भाई। दोनों में से किसी के पास भी स्टैमिना है, इन लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि नॉर्मल मैच करके देखो, बट उसमें भी चांसेस है कि तुम्हारी चैंपियन इंजर्ड हो जाए। शार्लेट और आई थिंक पेपर व्यू अच्छा देना चाहिए, देखो। उसके बाद तो भाई टाइटल मैच ऑन करते हैं नॉर्मल। चलो ठीक है भाई, टाइटल मैच प्रोमो फिलहाल कट नहीं करूंगा, मिड कार्ड मैच में आते हैं। मिड कार्ड मैच में मुझे लगता है
भाई तुम्हारा चैंपियन तो शेमस चल रहा है भाई, शेमस चल रहा है चैंपियन। मिड कार्ड मैच में अभी तो फिलहाल नाया जैक्स और बियांका बेलर किया, लेकिन लास्ट वीक करवाया था तो अच्छा नहीं गया था उन लोग दोनों का। तो भाई एक पावर कार्ड में रोस्टर में जाके किसी जॉबर को लेना पड़ेगा भाई मुझे, पावर कार्ड में नहीं सॉरी रोस्टर में जाके भाई। हाँ, साइन फ्री एजेंट्स में जाकर के तू ले सकता है। देखिए बट तेरा बजट उतना नहीं है भाई, हिल जाएगा तुम्हारा बजट। चल ठीक बुक शो में जाते हैं, सोचते हैं क्या मैच करवाना है पहले। ये आ जा भाई अपने मिड कार्ड में और सोच ले। मिड कार्ड में करवाएंगे, हम सोच रहे ना मिड कार्ड में जे उसोस और ब्रॉन स्ट्रोमैन का करवा दे। हो सकता है कि इन दोनों की रैवरी निकल, ये नॉर्मल मैच ही होगा। नॉर्मल मैच इतना बजट अभी, बजट नॉर्मल मैच क्यों भाई, अच्छा मैच बजट है तुम्हारे पास जल्दी भाई। तो फिलहाल अभी इसको ये बुक करते हैं, देखते हैं मेन इवेंट तक अगर बजट बचेगा तब करेंगे। और दूसरे मिड कार्ड में जिमी उसोज और कीतली का, अरे दोनों अच्छा मैच चल सकता है भाई। वाओ, उसका टैग टीम भी करवाऊंगा इन दोनों का। तो शो तो खत्म हो गया, अब क्या मेन इवेंट भाई, स्मैकडाउन भी आएगा। स्मैकडाउन में ओके, मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर शेमस अपने टाइटल को डिफेंड करेगा ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट। भाई इसमें भी कमिश्नर मैं रहूंगा यार, तू जानता है मेरी आदत यार, मैं बताऊं, मैं तेरे को बताऊं एक बार स्मैकडाउन में इस चीज को होके देखने देंगे क्या होता है। अच्छा तो चलो इस लोग का टीएलसी मैच करवाऊंगा, ड्रू मैकइंटायर मांग रहा था तो मेरा ये सजेशन रहेगा, तो मैं सजेशन मान रहा था। चलो ठीक है, चलो ऑन, चलो ठीक है टाइटल ऑन, चलो ड्रू मैकइंटायर को एक फेयर चांस मिलता है। ये हो गया, अब मेरा कॉस्ट कितना है, ठीक है मेरा बजट नहीं, मैं लॉजिस्टिक तो भूल गया, रुक जाओ अरीना मैं वो लूंगा बैकलैश के इक्विप कर लेता हूं। हाँ। लूंगा लेकिन बजट फिलहाल देख रहा हूं कि मेरा बजट नहीं मिले। अब बोलो ये सब ठीक है, अब देखता हूं कि वो सब ले सकता हूं कि नहीं भाई, क्रू रू ले सकता हूं कि नहीं देखता हूं, रुक जाओ। तेरे पास 30,000 बजट पड़ रहा है, क्रू तू ले सकता है। चलो भाई क्रू ले लेते हैं, बजट नहीं हिलना चाहिए भाई। स्पेशल इफेक्ट्स 60,000 ले सकता है तू, एडवर्टाइजमेंट वो भी ले सकता है तू। हाँ भाई चलो तो ले लेते हैं, पूरी कंफर्म बुकिंग कर दी है भाई, हो गया सब कुछ, इक्विप हो गया सब कुछ, सारा कुछ हो गया। अब देखते दो अभी पैसा बाकी मेरे पास, तो इन दोनों का भी अच्छा चलेगा। पूरे पैसे खाली करना ये एक सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तेरा प्रॉफिट बहुत लो हो जाएगा। मुझे लगता है जे उसोज और इनकी थोड़ा मैच में थोड़ा होना चाहिए यार, बुक शो जे और ब्रॉन स्ट्रोमैन का टेबल्स मैच होना चाहिए। तो ये टेबल्स मैच फिक्स करेगा, टेबल मैच यस। चलो भाई लोग उमंग टेबल्स मैच को फिक्स कर रहा है, और जिमी और कितली का होगा एक्सट्रीम रूल्स मैच भाई, वो मैं फिलहाल किसी इधर नहीं करवाऊंगा। एक्सट्रीम रूल्स 30,000 का होता है एक्सट्रीम रूल्स। ओ आई थिंक इसका भी टेबल्स, उतना बजट है बट तेरा। चलो ठीक है ये मैच बुक रहेगा भाई, बहुत ही बोल्ड डिसीजंस लिया है तुमने। अरे यार पेपर व्यू अच्छा मैच देना पड़ता है, मैं सोच रहा हूँ प्रोमो रोमन इसके कट करवा दूं, वो भी तुम्हारी मर्जी है। चलो प्रोमो, चलो ठीक है प्रोमो रोमन रिंग्स तो रहेगा, फर्स्ट प्रोमो सेकंड प्रोमो थर्ड प्रोमो। हाँ नहीं छोड़ दो यार, प्रोमो नहीं कट करवाता, काफी अच्छा मैच चल रहा है। लेकिन यार अगर पेपर व्यू में रोमन रिंग्स नहीं आएगा तो क्या मजा आएगा, सेल्फ प्रोमो कटवा देते हैं, सेल्फ प्रोमो ये सही रहेगा रोमन रिंग्स के लिए। तो चलो भाई लोग ये रही ये बजट फाइनल है भाई, फाइनल कंफर्म। चलो बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है मैंने यार इस बार ना, रॉ की बजट थोड़ी हिली हुई थी तो इसलिए मैंने ये सब कुछ नहीं लिया, और मैंने सब कुछ ले लिया है भाई, मैंने क्रू ने लिया, मैंने स्पेशल इफेक्ट्स ने लिए, मैंने एडवर्टाइजमेंट ने की रॉ की, और भाई मैंने पूरा दिल खोल के आप लोगों के लिए खर्चा किया है। तो भाई ये आ गई रॉ की स्क्रीन ये, और ये इस मैच को हम लोग स्पेक्टेट करने वाले हैं भाई। चलो भाई करो, ये नॉर्मल मैच है। हाँ नहीं नॉर्मल मैच नहीं यार, क्या टीएलसी है, टीएलसी। ओ तो चल भाई हम लोग स्पेक्टेट करने वाले हैं ये फाड़ू मैच। चलो यार भाई लोग स्पेक्टेट पे आ जाते हैं। ओ चलो भाई ये पहला रॉ का पहला टाइप पेपर व्यू में टाइटल मैच है, वुमेन्स चैंपियनशिप बेकी लिंच चैंपियनशिप। तो देखें वुमेन्स चैंपियन, मुझे लगता है कि इस मैच में तू मुझे बीट कर दे। नहीं तेरा मैच जाएगा लेजेंडरी, टीएलसी मैच। चलो भाई मेरे को अपने रोस्टर्स पे पूरा भरोसा है, और यहाँ पर रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच डिफेंड कर रही है अपना टाइटल, जो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि टाइटल टंगा हुआ है। तो रिया रिप्ले के अगेंस्ट ये देखो, रिया रिप्ले आ चुकी है, मुझे लगता है कि बेकी लिंच अपने टाइटल को बचा लेगी, नोटंकी नहीं करे लैडर लाने में, कभी कभी कुछ ज्यादा ही जल्दी लेते आती है यार। रिया रिप्ले पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में दिख रही है। ओहो, और मैं एक तरीके से चाहता हूँ भी हूँ ये मेरे ब्रांड की चैंपियन बन जाए, क्योंकि ये चैंपियनशिप मटेरियल रिया रिप्ले, और पहले तो रिया रिप्ले थी ना। हाँ पहले रिया रिप्ले ही थी, बट इसको हरा करके फर्स्ट वीक में मेरे भाई लोग बेकी लिंच बन गई थी। चल भाई स्किप कर पूरा देखेगा क्या एंट्रेंस। चलो भाई एंट्रेंस को स्किप कर लेते हैं मेरे भाई, अभी बनी नहीं है चैंपियन, जब बन जाएगी तब देखना पूरा, इतना काफी है। चलो चलो भाई आ गई द मैन पेकी लिंच, और यहाँ द मैन पेकी लिंच आते हुए
भाई लोग आप लोग बताइएगा रेसलमेनिया बैकलैश का पहला पेपर कैसे लग रहा है। अमन ने तो कंजूसी दिखाई, मैंने दिल खोल के खर्चा किया है। अब बोल भाई मेरे को चाहिए पैसे, ठीक है तुझे चाहिए पैसे। बेकी लिंच थोड़ा और रियल बना सकते थे ये लोग। ये रही रॉकी वुमेन्स चैंपियनशिप, चैंपियनशिप चैंपियन यार बेकी लिंच चैंपियन द मैन बेकी लिंच, ये चैंपियनशिप लेके क्यों नहीं आई? अच्छा वो तो टंगा हुआ है यार, सॉरी मेरे भाई लोग, सॉरी वो टंगा हुआ रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच आ चुकी है यार मैच में। अब देखते हैं क्या होता है भाई। वैसे हम लोग आमतौर पर लड़कियों का मैच देखते नहीं है, बट यार हमारा शो है भाई, देखते हैं क्या होता है। ओ हाँ भाई हमारा नहीं, सॉरी ये मेरा शो है, ये तेरा शो नहीं है, ये रेसलमेनिया बैकलैश है, ये हाँ रॉ नहीं है, रेसलमेनिया बैकलैश है भाई, ठीक है चलो तेरा शो नहीं है, चलो भाई ठीक है कोई नहीं कोई, चलो यार इसको भी स्किप मारते हैं। बहुत उछल ली बेकी लिंच, मुझे लगता है बेकी लिंच डिफेंड कर लेगी टाइटल, अब देखते हैं। चलो यार मैच को चालू करते हैं फटाक से, ये रहा टाइटल भाई, चलो फटाक से मैच को चालू किया जाए। ये रहा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, मैं देखो किसी को फेवर नहीं करता हूँ एज अ जनरल मैनेजर, बस मैं शो के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है भाई शो मुझे लगता है बेकी लिंच अच्छा शो देगी। ये रही रियल रिप्ले, अच्छा शो देगी बेकी लिंच, ये मैं क्विट क्यों कर रहा हूँ। हाँ चलो स्पेक्टेड पे आ गए भाई लोग अपन, रियल रिप्ले वार करते हुए, ओह काफी एकदम भारी पड़ते हुए नजर आ रही है रियल रिप्ले यार, 2 लाख तो मारी है अभी, देखो देखो अभी क्या करेगी। बस लोग एआई है ज्यादा नौटंकी नहीं करे, नीचे लैडर उठने का वेट करिए रियल रिप्ले। अरे नहीं डिफेंस, मेरे को लगा बच गई, मुझे भी लगा रिवर्स करी। ओ जा रही लैडर, अर्ली लैडर, ओ बोल्ड एआई ऐसा ही होता है भाई, एआई ऐसी। आ जाओ भाई लैडर से मार, लैडर से, ओ अरे यार लैडर लाने नहीं दी इसको, बच गई बेकिली से तूफान डाल दी पूरा, बहुत मारी यार रियल रिप्ले को, बहुत मारी तगड़ा मारी है बेकिली, ये भी लैडर लाने का तो ट्राई कर रही है। नहीं नहीं ये कुछ और निकाली होगी, लैडर ही निकालेगी वो, हाँ लैडर मैच है ना, ओ लैडर, हाँ लैडर ही निकालेगी और ये अंदर लेके फाइनली जाने वाली। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आया, जब नीचे लैडर था तो वही वाला लैडर क्यों नहीं उठाई, अंदर से निकालने का क्या जरूरत है भाई। अब देखो यार उसकी मर्जी, हो सकता है कि वो दूसरे के फेंके हुए छुट्टे नहीं ना उठाती हो, रियल रिप्ले अंदर ले गई, हो सकता है यार बेकी लिंच दूसरे के फेंके हुए माल आज भी नहीं उठाती हो। भाई लैडर उठा ली है लेकिन उठाने नहीं दी बेकी लिंच, भाई मेरे को लगता है एक फिनिशर तो लगाना ही होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा इसमें। ओ क्या शॉट मूव था यार, अरे रिंग के बाहर फेंक दी, फिलहाल गिरी नहीं है, चलो लैडर तो सेट हो जाएगा भाई, एक दो बार, एक बार भी नहीं तोड़ पाई ये शायद, वो चढ़ने के बाद ही आ जाए। हाँ रियल रिप्ले आ चुकी है, लैडर को गिरा देगी। हाँ ओ स्मार्ट मूव, तुरंत उतर के, इसमें ना रिकवरी सिस्टम बहुत फास्ट दिया है, ठीक है बहुत फास्ट दिया रिकवरी सिस्टम, भारी पड़ते हुए नजर आ रही है मन्ना, देख रहा हूँ मैं बेकिलिंच पूरा भारी पड़ रही है भाई, बेकिलिंच पूरा आ रहा है, बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। आई थिंक एक फिनिशर दे देगी ना तो काम हो जाएगा शायद, देख लेते हैं। रियल रिप्ले की एनर्जी भी ज्यादा नहीं है, अब ये नीचे कहाँ जा रही है, एक और लैडर कुछ करेगी क्या, नहीं नहीं चेयर और चेयर, एक्सट्रीम रूल्स की तरफ ले जाते हुए हमारी चैंपियन, कहीं भाई बेकिलिंच इंजर्ड ना कर दे रियल रिप्ले को। भाई मेरे को लग रहा है कि ये काफी इंजर्ड कर सकती है इस मैच से, मैचेस होते भी हैं जिसमें सुपरस्टार्स इंजर्ड हो जाते हैं। अच्छा रियल रिप्ले कमबैक करती हुई कर रही है कमबैक यार रियल रिप्ले, देखते फिनिशर किसका पहले आता है भाई, फिलहाल तो बेकी लिंच का सिग्नेचर बहुत मोमेंटम है, सिग्नेचर भी आया हुआ है और आया हुआ है और फिनिशर का हाफ मोमेंटम भी। बस तुम लोग लैडर मत गिराना बहनों, ओ मेरी बहनों लैडर मत गिराना भाई, भाई वो चढ़ने भाई बेकी लिंच उठ गई। अच्छा अच्छा शुरू कर ओ ये तोड़ना चालू कर दिया, एक बार भी तोड़ने नहीं दी, ओ एक बार भी ना 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 एक बार भी नहीं, ऑसम मैच जा रहा है, ऑसम मैच जा रहा है भाई, वो बेल्ट किधर गया ग्लिच, फेंक फेंक फेंक, ओ अब बेकी लिंच जाएगी, मोमेंटम काफी बढ़ने, नहीं काफी नहीं बढ़ा यार थोड़ा बहुत बढ़ा है, ओ ऊपर से कूदने वाली बेकी लिंच, बट अभी तोड़ना नहीं चाह रही है पता है, बेकी लिंच तोड़ना नहीं चाह रही है, मुझे लगता है सिग्नेचर या फिनिशर देखे तोड़ेगी, देख लेते हैं भाई लोग। लो अरे क्या बेवकूफी है ये, बेल्ट कहाँ गया, बेल्ट कहाँ गया भाई, ओ अच्छा चलो ग्लिच सो रहा था मेरा भाई, एक बार भी ये भी नहीं तोड़ने दी, चलो ये अच्छा, ये तेरा मैच तो अच्छा जा रहा है यार, मुझे लगता है 4.5 स्टार तो मिलेगा ही भाई मैच को, पता नहीं यार अभी तक तो ऐसा कुछ ऑसम हुआ नहीं, बता ये दोनों ट्राई कर रही हैं जरूर अपना अपना बेस्ट देने का, दो बार लैडर से लेकर नीचे गिरा चुकी हैं एक दूसरे को, बेकी लिंच का स्टन मीटर आ रहा है, बट ये अरे इन दोनों को कुछ ज्यादा ही जल्दी है तोड़ने की, ओ नहीं ऊपर से कूद रही है यार, फ्लाइंग मूव बाय रियल रिप्ले, अरे नहीं यार बेकी लिंच गिरा चुकी है उसको, सिग्नेचर आया है बेकी लिंच के पास, सिग्नेचर लगाने की कोशिश बट रियल रिप्ले ने बचा लिया है, अब रियल रिप्ले के पास सिग्नेचर है, देखो भाई सिग्नेचर लगा दिया, सिग्नेचर भाई सिग्नेचर लगा दिया, लैडर भाई इट लैडर पे नहीं बच गई, अगर लैडर अभी सेट कर दी ना रियल रिप्ले तो वो लैडर लेने की कोशिश कर रही है बट हो नहीं पा रहा है, ओहो हटा रही है फिनिशर भाई, सबमिशन लगा दिया है बेकी लिंच को,
स्टंट कर दिए बेकी लिंच को, चलो ठीक है फिनिशर दे चुकी है भाई। अगर ये सबमिशन मैच होता तो बेकी लिंच अभी हार जाती भाई। नहीं यार इतनी जल्दी टैप आउट नहीं करती वो, मेरे को यकीन है इतनी। ओ बच गई बेकी लिंच, बच गई भाई बेकी लिंच तो बच गई। लेकिन इसको फेंकने वाली है, हाँ फेंक दी ना। अब लैडर सेट कर, अब मेरे को लगता है दो या तीन बार। अरे यार ये क्विक रिकवरी, चलो कोई बात नहीं लैडर तो सेट हो भाई। इसमें बहुत क्विक रिकवरी है एआई की, वो देखो इसको एक बार भी तोड़ने देगी नहीं, ठीक है ये कंफर्म। ओ अटक गया ये एक बार यार। इसमें जो क्विक रिकवरी का सिस्टम है ना बहुत अजीब है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुपरस्टार्स। वीआर प्ले फिनिशर अगर दे दे तो कुछ बात बन सकती है यहाँ पर। फिनिशर प्ले के पास नहीं नहीं अभी तो फिनिशर नहीं लगाएगी वो, फिर से बात ठीक है लैडर वो तुरंत उठ जाएगी बताए उमंग। चलो ठीक है एक दो बार शुरुआत तो होने दे भाई मेरे। रिया रिप्ले चढ़ चुकी है और यार यहाँ पर बेकी लिंच उठने का नाम नहीं ले रही है। शुरुआत होने दे उसके बाद खत्म तो हो ही जाएगा। एक बार भी नहीं टूटा अभी। अरे यार तेरे रोस्टर को बेल्ट भी तोड़ना नहीं आता यार, क्या करेगी इन लोग। ओ नहीं एक बार भी नहीं तोड़ पाई रिया रिप्ले, लो और ये फिर से गिरा दिया इसने, लैडर मैच में गिरा दिया भाई। बेकी लिंच के पास भी फिनिशर आ चुका है, आप देखते हैं बेकी लिंच क्या कर रही है। बेकी लिंच शायद फिनिशर यूज करेगी भाई, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं हम लोग। मैन हैंडलिंग स्लैम, ओ फिर के पास फिर चुकी है और बेकी लिंच कोई मूड में नहीं है तोड़ने के। चलो ठीक है मूड में आ गई है बेकी लिंच, लेट कर दिए बट बेकी लिंच। अरे यार कोई एक दूसरे को फिनिशर देके खत्म करो ना यार, इसमें उठने वाला सिस्टम इतना अजीब है ना। लो 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 फिर चली गई, तुरंत तुरंत सुपरस्टार्स उठ जाते हैं इसमें। कम ऑन रिया, रियल रिया कम ऑन फिनिशर, वी वांट फिनिशर। लो भाई ये ऊपर से गिरने वाला है भाई, अब कोई ऊपर से गिरने वाला है। ओएमजी मोमेंट आएगा भाई, अभी ओएमजी मोमेंट आएगा। रियर रिप्ले और बेकी लिंच कोई गिरने वाला है ऊपर से, ये सही सीन हुआ भाई। एक ना एक इंसान गिरने वाला है, एक ना एक लड़की गिरने वाली है भाई, और ये भी डिफेंड कर ले रियर रिप्ले भी। ओएमजी नहीं है क्या येलो कलर, और स्टन मीटर आ गया है रियर रिप्ले का। रियर रिप्ले जाने वाली है, पूरी तरीके से स्टन हो चुकी है रियर। ओए ये नीचे गिर गई, अरे आप क्यों उतनी नीचे उतर रही है पागल इस औरत। अरे यार तोड़ तोड़ तोड़, अरे नहीं 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 सोच रही है बेकी लिंच, नहीं नहीं बेकी नहीं बेकी नो। अरे बच गई रिया रिप्ले, बस चलो रिया रिप्ले ऊपर जा रही है, तुम भी जा। अरे ये भी ये लैडर गिरा दे, ये भी जाएगी ऊपर। चलो एक नंबर क्या, ओ ये एक बार भी अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है भाई, किसी ने नहीं तोड़ा मेरे भाई एक बार भी। और दोनों बार फिनिशर है, अब लगता है बेकी लिंच की बारी है नीचे जाने की। ओ नहीं बेकी लिंच बेकी लिंच यार पूरी तरीके से अड़ी हुई है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी यार। कितना ये लोग यार, कितना ये लोग लैडर के ऊपर जाएंगे यार, क्यों मुझे लग रहा है अच्छा मैच चल रहा है यार कब। ओ एक घुसा और स्टंड, स्टंड नहीं अभी भी स्टंड नहीं हुई थी वो करे। अब ये तोड़, ये सही अपॉर्चुनिटी भी तोड़ा है बेकी लिंच। अरे ये लोग तोड़ दे पा रहा है भाई यार, तुम लोग तोड़ना नहीं आता क्या तुम लोगों को। अरे क्या घुमा रही है तोड़ना। अरे वो एक फाइनली एक बार तोड़ दिया बेकी लिंच ने, फाइनली लैडर के ऊपर पावर बम भाई बेकी लिंच ने एक बार तोड़ दिया फाइनली यार। अब देखो यार ये लोग कैसा मैच प्रोवाइड करते हैं, मुझे लगता है फिनिशर लगाने वाली है। नहीं नहीं बार फेंक, ये स्मार्ट मूव। चल लैडर सेट कर, बट यार रिकवरी टाइम बहुत बहुत जल्दी है इन लोगों का रिकवरी टाइम। अरे कम से कम लैडर सेट हो रहा है। अच्छा रियर रिप्ले हमेशा हमेशा इस ताक में ताकि वो तोड़ पाए लैडर, बेकी लिंच यार परफॉर्म करने के चक्कर में। कम ऑन रिया कम ऑन यार, एक बार दो बार कर लिया भाई, एक एक बार दोनों कर चुके हैं। कम ऑन बेकी यार गिराने वाली रिया को 100% गिरा देगी, गिराएगी। चलो अब बेकी लिंच दो तीन बार और कर देगी भाई। ओ लैडर गिरा चुकी है बेकी लिंच, अब ये फिनिशर लगा देगी। फिनिशर भाई एंगल स्लैम भाई 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 एंगल स्लैम बोल रहा हूं मैं, सॉरी आर्म ब्रेकर भाई, आर्म ब्रेकर या आर्म बार यार। ये पूरी फाइनली लगा चुकी है बेकी लिंच या पूरी तरीके से स्टन कर चुकी है ये, बढ़िया उठ जाएगी भाई। एक फिनिशर और देना पड़ेगा बेकी लिंच को, या मुझे लगता है कि रिंग से बाहर फेंकेगी। देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। ओ लो बच गई, रिया रिप्ले ने बचा लिया है। अब रिया रिप्ले लग रहा है अपना सिग्नेचर या फिनिशर लगा सकती है। कम ऑन रिया, दो फिनिशर है यार तेरे पास। कम ऑन यार रिया, बस ये क्या है रिया यार, बस तुम बाहर फेंकने के चक्कर में हो। चलो भाई एक सिग्नेचर या फिनिशर बेकी लिंच का काम तमाम हो जाएगा। दो बार टूट चुका है। अरे सिग्नेचर, सिग्नेचर लगाया फिनिशर लगाया, क्या लगाया? आई थिंक फिनिशर लगाया भाई, फिनिशर लगाया इसको। इस एक बार पहले भी दे चुकी है, दूसरी बार है। अरे ये टैप आउट मैच नहीं है ये, मैं बताऊं टीएलसी मैच भाई, ये होता है भाई पहला पेपर व्यू का मैच, एकदम तगड़ा मैच। काफी औसम मैच जा रहा है भाई इन दोनों के बीच में, क्लासिक मैच होने वाला है मेरे को लगता है इन दोनों के बीच में। आ जा भाई। ओ गई 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 लैडर लैडर रिया रिया लैडर, लेट्स गो फॉर लैडर।
अब जनरल मैनेजर का बात तुरंत सुन ली यार, लेट्स गो फॉर लैडर, जीएम का बात तुरंत सुन ली भाई, जल्दी चलो। इस पे रिकवरी टाइम बहुत अर्ली है, बहुत ज्यादा अर्ली। और ये फेंक दी, फेंक दी लैडर। इसको रिया, इसको बेकी लिंच का लैडर नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है चलो, वाह इसको अपना लैडर चाहिए। चलो ठीक है भाई, बेकी लिंच अब नाराज हो गई कि मेरा लैडर क्यों नहीं चाहिए तुझे। बेकी लिंच अब नाराज हो गई, बेकी लिंच अब मार रही नाराज होकर। चलो यार तुम लोग तोड़ पाओगी कि नहीं, सिग्नेचर सिग्नेचर दे रही है क्या? नहीं, ये क्या मार दिया बेकी? कम ऑन बेकी, अंदर जा बेकी। ओ बेकी मौके का फायदा उठाते हुए। इसको बोलते हैं शतरंज की बीवी, समझा कि नहीं समझा? ये लोग इधर उधर क्यों कर रहे हैं मेरे को नहीं समझ आ रहा है। होगा होगा भाई, होगा मैच। तुम लोग तो, और यहाँ पर लैडर ही लैडर रिंग पे हो चुका है, एक ने भी फिनिशर लगाया ना तो हो जाएगा कांड। ओ बच गए, ये ग्लिच था थोड़ा लेकिन तभी चल गया। आजा एक फिनिशर लेकिन आम बार दे दिया फिर से बेकी लिंच ने, लेकिन एकदम आम एकदम रेड हो चुका है। लैडर के पास आम बार दिया बेकी लिंच ने, काफी अच्छा लग रहा है। टैप आउट कर दिए रिया रिप्ले। भाई तुम लोग उठा क्यों रही हो यार, तुम लैडर तोड़ना है तुम लोगों को, लैडर बाहर फेंक, डायरेक्ट बाहर। ये बाहर फेंकने वाली शायद मेरे को, हाँ ये बाहर ही फेंकने वाली है। गुड कम ऑन बेकी, अब ये मौके का सही फायदा उठा रही है पता है बेकी लिंच, एज अ चैंपियन यार ये दिखा रही है। दो बार हो चुका है भाई, ओ काफी स्पीड में चल रही, शतरंज पूरा सिखा के भेजा है। रिया रिप्ले भी उठने ही वाली है पर मेरे को लगता नहीं कि ये कर पाएगी, मिस्टेक कर दी इसने। ओहो रिया रिप्ले भी मैदान में आ गई है भाई, ये तो काफी एकदम एक्सट्रीम मैच होता जा रहा है यार भाई, ये तोड़ने ही नहीं दे रही एक दूसरे को। चलो भाई लो स्टन मीटर, अब बेकी लिंच का भी आ चुका है, बट यार बेकी लिंच हार मानने को रेडी नहीं है। इस बार अगर बेकी लिंच नीचे गई ना, ओ बस हो गया कांड इसका, नीचे लो चैंपियन चेंज, पेपर व्यू में चैंपियन चेंज। अरे रिया रिप्ले ये तुम्हारे पास मौका है, ओ हो गया का पूरा फायदा उठाते हुए रिया रिप्ले, बस तोड़ दे लो भाई इन। अरे यार इनसे नहीं टूटेगा भाई, ओ तीसरी बार हो चुकी है, चौथी बार हो चुकी है, पांचवी बार बेकी लिंच का भी स्पीड, भाई बेकी लिंच नहीं, सिर्फ दो बाकी है भाई, दो बाकी है, दो बाकी है, बस दो बाकी है। लो भाई गया, अगर इसको फेंक दी ना तो ये तोड़ लेगी बेकी लिंच, गई बस तो तोड़ लेगी भाई। नहीं नहीं रुको रुको रुको, हो रहा है सारी मेहनत रिया रिप्ले ने किया करी है, रुक रुक भाई रुक, आखिरी गए गई लगता है। नहीं नहीं स्टन होके रुक गई है भाई, ये स्टन हो, ओ भाई अगर जो गिरा वो हार गया। लो गई, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। बेकी लिंच क्या करती है बेकी लिंच यार, अपॉर्चुनिटी को संभालते हुए, नहीं अभी संभाल नहीं पाई है, अभी भी नहीं हुआ है। अरे 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 रिया रिप्ले के पास मौका था लेकिन, अरे यार बेकी के पास बहुत मौका था। अरे ऑन द लैडर, चलो कोई बात नहीं, आप अगर इस बार लैडर पे जाएगी तो चली आएगी। अच्छा रिया रिप्ले ने एक भी फिनिशर अपना नहीं दिया है, देखते हैं अभी तक हम लोग देखते हैं। दे यार रिया रिप्ले यार एक फिनिशर तो भाई, मेरी भाई। लड़कियों का मैच तो बहुत सही जा रहा है, रिया रिप्ले चैंपियन बन सकती है यहाँ पर, ये 4.5 स्टार इस मैच को मिलेगा ही लिख के। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि फर्स्ट वीक के रॉ में मैंने रिया रिप्ले को ही चैंपियन बनाया था, बट चैंपियनशिप उसे छीन के बेकी लिंच बन गई थी चैंपियन। काफी इंटेंस मूवमेंट कर, बस लगता है बन गई, लगता है बन गई, बन गई भाई बेकी लिंच। रिया रिप्ले वुमेन्स चैंपियन, रिया रिप्ले जीत चुकी है भाई। ये मैच काफी अच्छा था, इस मैच को तू मान ले 4.5 स्टार मिल रहे हैं भाई इस मैच। देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं हम लोग, रिया रिप्ले रॉ वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है। ओहो रिया रिप्ले रॉ वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है, अमेजिंग मैच किया भाई, पेपर व्यू रॉ के अमेजिंग का पहले पेपर व्यू का मैच अमेजिंग किया। चलो यार भाई मजा आ गया, नॉर्मल। अब देखते हैं दूसरा मैच कौन सा है तेरा। मजा आ गया भाई उमंग, मजा आ गया। टैग टीम को सिमुलेट कर भाई यार, थोड़ा और ये लोग अच्छा खेलती तो हमें क्लासिक मैच जा सकता था, बट आई एम हैप्पी विद देयर मैच। चलो ठीक है, मिड कार्ड को रॉ भी वुमेन्स चैंपियन भी चेंज हो गई है, रिया रिप्ले रॉ में तो आए दिन चेंज होता रहता है भाई। नहीं ऐसा कुछ, चलो ठीक है, तेरे इस स्मैकडाउन में दो बारी कल चेंज हुआ है, सिमुलेट कर। चलो इसको मैं सिमुलेट करूंगा, 1 2 3 टन 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 सिंस के नाकामुरा एंड जैसे मेरे को पता था, अमेजिंग। ओहो ये भी अमेजिंग रहा तेरा टैग टीम, लगता है कि इस वीक तू मुझे बीट कर देगा कसम। मेरे को नहीं लगता है, चलो कंटिन्यू मारते हैं। अब ये रहा मैच जिसमें रनिंग मैंने किया है, सिमुलेट। चलो सिमुलेट कर रहा हूं, 1 2 3 टन 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 आस्का रनिंग करने के बाद भी डिसअपॉइंटिंग मैच मेरे को, ये मुझे पता था, मुझे पता था ब्रॉक लेसनर का मेन इवेंट का वक्त आ गया भाई। चलो नहीं प्रोमो पहले रैंडी ऑर्टन प्रोमो, चलो ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है अच्छा ही जाने वाला है। गुड गुड एज आई नो रैंडी ऑर्टन प्रोमो अच्छा करता है भाई। चलो अब चलते हैं भाई शो के मेन इवेंट की तरफ, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिगी। और ये नॉर्मल मैच है इसलिए इस मैच में कोई ड्रामा नहीं होगा भाई,
तो चलो भाई स्पेक्टेट करते हैं इस मैच को जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए। चलो भाई देखते हैं कि ये मैच कैसा जाता है। आ जाओ भाई चैंपियन बन गया तो तू क्या करेगा? वैसे चांसेस कम है कि बिगी हरा पाएगा ब्रॉक लेसनर को, देखते हैं भाई। अभी रिया रिप्ले भी चैंपियनशिप चेंज कर चुकी है तो देखो भाई, वो तो लैडर मैच था ना। चलो देखते हैं, तो देखो अभी क्या होता है इस बारे में पता नहीं। चलो यार स्किप कर, एंट्रेंस को स्किप करते हैं, स्किप कर। चलो हो गया भाई, चलो हो गया बिगी, समझ गया, स्किप द सीन। चलो अब बीस्ट इन कार्नेट ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस थोड़ी सी देखेंगे। एंट्रेंस आ रहा है भाई, मेरे ब्रांड के चैंपियन है। ओह चलो ठीक है, तुम्हारे ब्रांड का चैंपियन आ जाओ भाई। अरे आओ ना ब्रॉक लेसनर भाई, क्या कर रहे हो? ये सही देखो भाई, लोग सब लोग जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर मेरा फेवरेट है, बट फिर भी मैं फेवरिज्म नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैं इंटरप्ट करूंगा, कुछ भी नहीं करना। ये आ गया ब्रॉक लेसनर भाई, रिंग स्क्रीन को और रिंग को अरीना को हिलाते हुए आ गया ब्रॉक लेसनर, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। यानी अगर इस मैच में ब्रॉक लेसनर आ गया हार गया तो तू उसे रिमैच नहीं देगा? नहीं, ठीक है ना, याद रखो चैंपियन के पास रिमैच क्लॉज होता है। कितनी बार? एक बार हारा था, जब हारेगा तब एक बार होता है भाई, ये WWE का नियम। ओ ये नियम खत्म हो चुका है, तुझे पता है ना, यहाँ रॉ में नहीं हुआ। यानी ये तेरा अपना नहीं, 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 नहीं। मैं देखूंगा क्या करना है, अभी तो फिलहाल यार मैच की तरफ देखते हैं। चलो यार स्किप कर भाई, सीन को स्किप कर देते हैं, स्किप हो गया सीन को भी। अब इन दोनों का नॉर्मल मैच चल रहा है, मुझे लगता है तेरा मेन इवेंट काफी अच्छा हुआ है, काफी अच्छा हुआ तेरा मेन इवेंट, सॉरी ओपनर काफी अच्छा। चलो भाई लोग चालू हो गया मैच, अपना मेन इवेंट WWE चैंपियनशिप के लिए। ओ बिगी ने घुसा मार दिया है, बिगी यार पहले मारने लगा, वाह मेरे भाई, भाई मेरी तो बेटिंग लग गई भाई ब्रॉक लेसनर पे, ब्रॉक लेसनर कोई नहीं आ रहा। और ये WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर ने मारना चालू कर दिया बिगी को, पहले देखते हैं किसका फिनिशर आता है। मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर का मोमेंटम अभी फिलहाल तो थोड़ा सा ज्यादा है ब्रॉक लेसनर का, और अटैकिंग भाई ये ब्रॉक लेसनर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अटैकिंग तो काफी अच्छी कर रहा है ब्रॉक लेसनर यार। अभी बिगी का सुप्लेक्स, पिलर टू पोस्ट सुप्लेक्स देते हुए भाई ये भी आ गया है बिगी का स्टन मीटर। भाई अगर स्टन हो गया ना तो बिगी बहुत ज्यादा मार खा जाएगा, और मेरे को लगता है स्टन होने ही वाला है भाई, ये स्क्वॉश मैच ना हो जाए लास्ट बार उसके बाद। और ये डोमिनेशन दिखा दे, अरे सबमिशन, और ये स्टन हो चुका है, स्टन भी हो गया होगा बिगी। ओ माय गॉड सबमिशन, स्टार्टिंग में सबमिशन दे रहा है, बचा लिया बिगी ने। चलो बट हेल्थ बहुत डाउन हो गई है बिगी की। चलो देखते अब यार बिगी भी मारना चाहो, अरे ओ बिगी तो डायरेक्ट नीचे फेंक दिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बिगी अभी बहुत कमजोर है यार। बिगी अभी सही बोला उमंग ने, बिगी काफी कमजोर, और ये ब्रॉक लेसनर डॉज करते हुए, भाई एमएमए का फाइटर है, डॉज तो अच्छा करेगा यार, डॉज करने की कोशिश की थी ब्रॉक लेसनर। ओ बिगी एफर्ट देने वाला है क्या? बिगी भी अपने ही अटैक्स में उलझे हुए, देख लेते हैं भाई ये क्या था। ओ बैरिकेड से तोड़ा है यार, पब्लिक को लगा नहीं, ए निकम्मे रेफरी हो चुका है ना भाई, 10 काउंट तो कर निकम्मे, ये काउंट भाई काउंट आउट हो गया तो भाई ब्रॉक लेसनर के पास चैंपियनशिप एडवांटेज है, तो ब्रॉक लेसनर जीत जाएगा, टाइटल चेंज नहीं होगा भाई। पर यार मैं ऑनेस्टली चाहता हूं नहीं कि मेरे पहले पेपर व्यू का मैच जो है वो काउंट आउट से खत्म हो, तो ये रेफरी गिनेगा तब ना काउंट आउट होगा या नहीं होगा, रेफरी गिन रहा है भाई, रेफरी गिन रहा है। चलो भाई बिगी का तो मुझे लग रहा है कि काउंट आउट सबमिशन लेके बैठ गया भाई, नहीं नहीं सबमिशन नहीं, सबमिशन लेके बैठा है यार। ये बिगी ने भी काफी ज्यादा अटैक कर दिया, बिगी की अब एनर्जी बढ़ गई, लो लेसनर बचा लिया। ये दोनों काउंट आउट से हारेंगे क्या? अब ये तो नहीं पता, बट हाँ काउंट आउट से कुछ नहीं होगा। कितना हो गया भाई? काउंट आउट नहीं हो रहा है शायद, मेरे ख्याल से काउंट आउट नहीं हो रहा है भाई, ले जाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है भाई। ये लोग दोनों नीचे ही कर देंगे, सारा कांड नीचे ही कर देंगे, मुझे लगता है अब नीचे ही करेगा। नॉर्मल मैच है ना ये? नॉर्मल मैच है, नॉर्मल मैच। ओ यार ब्रॉक लेसनर का F5, बेली टू बेली सुप्लेक्स, ये सिग्नेचर था बिगी का, सिग्नेचर आ गया यार। नहीं अभी तक नहीं है, अभी थोड़ा सा बाकी है, हाँ तो वही बाकी है, थोड़ा सा बाकी है। चलो आ गया बिगी अंदर रिंग के, कम ऑन ब्रॉकी, और ब्रॉक लेसनर को भी होश आ चुका है और वेट कर रहा है बिगी, बिगी काफी चालू है यार। अरे ब्रॉक लेसनर अटैक पे आ गया, F5 नहीं नहीं F5 लेंगे भाई। ओ रिंग के से बाहर, रिंग पोस्ट, रन बगल से लग चुका है बिगी को बहुत बुरी, और ब्रॉक लेसनर के पास भी सिग्नेचर, बच गया बच गया बच गया, सिग्नेचर आ गया बिगी के पास, सिग्नेचर है। अब देखते हैं बिगी सिग्नेचर लगाने में, अब सिग्नेचर देगा बिगी, ये सिग्नेचर नहीं है ये नॉर्मल, ये अभी देगा ये सिग्नेचर लगा दिया बिगी ने। ओ क्या रॉक गाइस दोनों चैंपियंस चेंज हो जाएंगे क्या भाई? स्टन मीटर भी आ गया है बिगी, बिगी काफी चालू है यार। 1 2 ओ किक आउट नियर फॉल, फिनिशर है, फिनिशर है बिगी के लिए नियर, पर ब्रॉक लेसनर के पास भी आ चुका है भाई सिग्नेचर, और अगर मौका ही नहीं मिला तो वही मैं देखना चाहूंगा, ये फिनिशर, फिनिशर
रॉकेस्टर ने रिवर्स कर दिया फिनिशर, बहुत बुरी तरह रिवर्सल को रिवर्स किया भाई भाई, लेकिन अभी फिनिशर ओ फिर रिवर्स, फिर इसको कर गया ब्रॉक लेसनर, ये तो काफी औसम चल रहा है यार मैच, ब्रॉक लेसनर फिर से उतर चुका है और इसने बिगी को उठा भी लिया है, देखते हैं अब क्या होता है आगे, और उठा के फेंका ब्रॉक लेसनर ने, फेंक दिया यार, और बिगी की एनर्जी भी डाउन होती हुई, अब देखते हैं ब्रॉक लेसनर का अगला मूव, ओ ब्रॉक लेसनर तो इरिटेशन में उठा उठा के फेंक रहा है, ये तो लग रहा है कि रियल ब्रॉक लेसनर का फाइट, F5 लेकिन पहले F5 लगा दिया ब्रॉक लेसनर ने, लेकिन अभी बिगी की एनर्जी काफी ज्यादा है, देख लेते हैं और ये पिन करवा दिया ब्रॉक लेसनर ने, शायद मुझे लगता है रोप ब्रेक हो जाएगा, रोप ब्रेक यार ब्रॉक लेसनर यार रोप ब्रेक हो गया मुझे लगा, ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स के चक्कर में, मैंने बोला ना अब लगता है बिगी का पिन हो जाएगा, ब्रॉक लेसनर यार डोमिनेशन दिखाते हुए अपनी, और मुझे लगता है कि अब ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत जाएगा यार, ब्रॉक लेसनर यार बहुत खतरनाक डोमिनेशन दिखा रहा है भाई, तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है, F5 ये कमुरा अगर ये अपना फिनिशर यूज करेगा तब भी नहीं हारेगा, फिनिशर आ गया ब्रॉक लेसनर के पास, तो मुझे लगता है कि अब ये मैच अपने आखिर में जा चुका है भाई, कोई भी कभी भी खत्म कर सकता है ये मैच, और मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर जीतेगा, ब्रॉक लेसनर उठाए अब देगा F5, उठाते के साथ F5 देगा, देख लेते हैं भाई देख लेते, ओ स्टंट करके मारना चाहता है F5, ओहो अब ये स्टंट हो जाएगा, नहीं नहीं एक शॉट और ये स्टंट, चलो ठीक है पर बिना स्टंट के F5 लगाया, अब लगता है मैच खत्म हो जाएगा भाई, भाइयों भाई ब्रॉक लेसनर ने बीस्ट की तरह परफॉर्म किया है भाई, 1 2 3 भाई द बीस्ट इन गाने, ब्रॉक लेसनर ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है, ये मैच भी काफी अच्छा था रॉक का, यानी रॉक का चैंपियन भी रिमेन रहा है, तो चलो ये मैच भी काफी अच्छा था, और इसी के साथ बिगी की राइवलरी उसके साथ में खत्म करता हूँ, बिगी और बिगी को टाइटल मैच भी मिल गया उसकी राइवलरी में, तो चलो यार रॉक का ये रहा मेन इवेंट आप लोगों के सामने, तो जो जो लोग यार रॉक के मेन इवेंट की का इंतजार कर रहे थे वो लोग चैट में बताओ कैसा लगा आप लोगों को रॉक का मेन इवेंट, लो भाई ये हो गया बिगी ब्रॉक लेसनर और उसका, चल भाई अब हटा, अब आ चुका है स्मैकडाउन की बारी, भाई रॉ हो चुका है ओवर मेरे भाई लोग, ये देखो ब्रॉक लेसनर हंसते हुए अपने टाइटल के साथ, ओ ब्रॉक लेसनर अपने टाइटल के साथ हंसते हुए, ग्रेट मैच मुझे लगा ही था, ग्रेट मैच ग्रेट मैच मजा आ गया, चलो भाई लोग तो चलो अब स्मैकडाउन की तरफ रखता है, मुझे लगता है कि रॉ इस वीक शायद बीट कर देगा स्मैकडाउन को, चलो देखते हैं तब भी, ग्रेट मैच दिया इन लोगों ने, लेवल 3 की राइवलरी को कंप्लीट किया अपनी, यानी 2 4-4 स्टार और मेन इवेंट 4.5, ओके चलो भाई लोग अब बाकी स्मैकडाउन की बारी है, चलो भाई तो ये मैच स्पेक्टेट करते हैं, स्पेक्टेट करेगा तू भी, अपनी नॉर्मल मैच है और इस मैच में दोनों इंजर्ड हो सकती है और दोनों जा सकती है, चल भाई स्पेक्टेट करता हूँ भाई ये इस मैच, चलो भाई ये मैच भी स्पेक्टेट में लगाते हैं, क्योंकि अब देखते हैं साशा बैंक के बाद कितने दिन तक टाइटल रहता है, और मेरे जो भाई लोग बोल रहे थे कि यार लंबी वीडियो बनाओ, लंबी वीडियो बनाओ, लो भाई लंबी वीडियो, लो भाई जेलो लंबी वीडियो को, लो आ रही है साशा बैंक, अभी तक हारी नहीं है, उसका स्ट्रिक कंटिन्यू चल रहा है, साशा बैंक अभी तक नहीं हारी है, 3-4 यानी कि 4 वीक से उसका स्ट्रिक कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक हारी नहीं है, और मुझे लगता है शार्लेट जीत जाएगी भाई लोग, साशा बैंक्स का चैंपियनशिप के साथ साथ स्ट्रीक भी दो पर है भाई लोग, आप लोग कंटिन्यू आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है साशा बैंक अपने स्ट्रीक को तोड़ेगी या स्किप कर इसको, हाँ ठीक है स्किप करते हैं इसको, स्किप चल भाई भाई, तो यहाँ तो बहुत चीज दो पर है भाई, साशा बैंक्स की स्ट्रीक के साथ साथ उसका चैंपियनशिप भी दो पर है, और भाई वैसे इन दोनों का हेल्थ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन चल रहा है इन दोनों का हेल्थ, तो एक इंजर्ड हो जाएगी, दोनों इंजर्ड होगी भाई, पर पिछली स्मैकडाउन में तो साशा बैंक्स ने परफॉर्म भी नहीं करा, लेकिन इसका हेल्थ बहुत कम है, चलो स्किप करते हैं इस सीन को, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों जाएंगी तो लेकिन अच्छा अच्छा मैच देके जाएंगे, समझा कि नहीं समझा, ये रहा भाई तुम्हारे स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, तेरा तो रॉ वुमेन्स चैंपियन चेंज हो चुकी है, रॉ वुमेन्स चैंपियन, हाँ भाई लो करंट न्यूज, रॉ वुमेन्स चैंपियन चेंज हो चुकी है, यानी कि रिया रिप्ले बन चुकी है रॉ वुमेन्स चैंपियन, लेकिन साशा बैंक से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने टाइटल और अपने स्ट्रिक दोनों को बचा ले, शार्लेट फ्लेयर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस लग रही है, हो सकता है कि वो न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन जाए, वो देखते हैं भाई देखते हैं, और इसकी स्ट्रिक तोड़ दे, चलो भाई ये मैच स्किप कर सकते हैं, अच्छा होने वाला है भाई, ओ साशा बैंक अपना टाइटल दिखाते हुए साशा बैंक अपनी स्ट्रिक को दांव पे लगाते हुए, चलो भाई हो गया मैच शुरू, टन टन टन, ये है नॉर्मल मैच इन दोनों के बीच में, ओ पूरा मार रही है, चलो ये सही से साशा बैंक्स बताते हुए कि वो चैंपियन है, साशा अपने स्ट्रिक को टूटने मत देना यार, ओ समीशन नहीं, पर मेरे डायरेक्ट हेड पे मार, मेरे को इस मैच का प्रेडिक्शन लग रहा है शार्लेट फ्लेयर,
देख, ओ हैंड डैमेज कर रही है यार। क्यों हैंड पे सबमिशन देती नहीं, फेस पे देती है वो, तो हेड पे सबमिशन देती है ना यार, तो वो उससे कोई मतलब नहीं। इन दोनों के जब भी मैचेस होते हैं ना WWE या यहाँ पर, हमेशा अच्छे जाते हैं। और वो तेरे स्मैकडाउन में दो बार क्लासिक मैचेस गए इन दोनों के। हाँ, हेल इन द सेल क्लासिक मैच था इन दोनों। और ये बिचारी अपनी इंजरी को रिकवरी करी थी साशा बैंक्स के, तूने फिर से मैच करवा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात, दोनों इंजर्ड हो जाएंगी तो दो तीन वीक तक आराम करेंगे थोड़ा, लेकिन तब तक कुछ देखते हैं मेरे भाई क्या होता है। करवाएंगे करवाएंगे, तू टेंशन ना ले भाई। हो गया भाई, शार्लेट फ्लेयर भी अब अटैक करने लगी है। ये तो अटैक कर रही है शार्लेट फ्लेयर। मुझे लगता है कि साशा बैंक अपना स्ट्रिक बचा लेगी, शार्लेट के तभी अटैक कर लेकिन साशा बैंक अपना स्ट्रिक बचा लेगी। फिलहाल तो साशा बैंक्स की एनर्जी बहुत कम हो रही है, ये सबमिशन लगा दिया। ओ रोप ब्रेक, रोप ब्रेक, रोप ब्रेक, रोप ब्रेक हो चुका है। कोई नहीं, ये सब चीजों का भी ध्यान देना है। ओ साशा बैंक कमबैक करती, जैसे कि अभी पिछले मैच में तुम लोगों ने देखा कि ऊपर से कूद रही है, F5 लगा चुका था, बट उसके बाद क्या हुआ। यार इन दोनों का मैच काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, उठा के फेंक दी दोनों में। ओ लगता है शार्लेट जीत जाएगी यार, ये क्या हो रहा है। शार्लेट नहीं जीतने वाली, शार्लेट की एनर्जी अभी फुल हो चुकी है। मेरे को मैच की स्टार्टिंग में शार्लेट पर भरोसा था, बट यार अब मैं देख रहा हूँ कि साशा बैंक्स कमबैक करने वाली है। भाई ऊपर से कूद रही है शार्लेट, फिलहाल अभी मोमेंटम इतना किसी का नहीं बना हुआ है। हाँ मोमेंटम नहीं, शार्लेट का थोड़ा ज्यादा मोमेंटम है, बट एनर्जी देखी जाए तो साशा बैंक्स की एनर्जी काफी कम लग रही है, बहुत कम हो गई है। दोनों अपने अपने को अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी है शार्लेट। भाई दोनों इंजर्ड लग रही है मुझे, तो फिलहाल इस मैच के बाद इंजर्ड भी हो जाएंगे, तो इनके लिए यार एक बार तो ओपी बनता ही है यार, ओपी कर दो यार दोनों के लिए, शार्लेट और साशा के लिए। भाई अब देखो मारो यार दोनों कैसे परफॉर्म कर, अरे कमबैक कर रहे हैं भाई साशा बैंक्स ने। ये देखो ये डायरेक्ट या तो हाथ पे मारी है तो सर पे डैमेज करने के लिए, पीठ पे भी मारती थी। बट यार अभी बहुत एनर्जी है इसकी, शार्लेट फ्लेयर की बहुत ज्यादा एनर्जी है, और अभी फिलहाल शार्लेट का फिनिशर आता हुआ दिख रहा है, सिग्नेचर भाई साशा बैंक्स की लग रहा है। मेरे को स्ट्रिक टूट जाएगी भाई, मैं नहीं चाहता स्ट्रिक टूटे साशा बैंक की, देख लो भाई तुम्हारी मर्जी। सिग्नेचर शायद आ गया है, नहीं ओ बाकी है बस आई है, अब सिग्नेचर आ गया। अब ओ सिग्नेचर बिग बूट मारते हुए साशा बैंक्स का पिन हो गया, 1 2 किक आउट। मेरे को तो पता ही था कि साशा बैंक्स किक आउट करने वाली है। और शार्लेट के बाद बहुत सारे फिनिशर्स है, एक फिनिशर सबमिशन भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है भाई, तो देखते हैं ये। ओ बचाली बचाली पर यार साशा बैंक्स के पास भी सिग्नेचर है। ओ सिग्नेचर इसका, सिग्नेचर नहीं मारी ये नॉर्मल शॉट, बट अब मेरे को लगता है कि अब सिग्नेचर मारेगी ये। अच्छा अरे बचाली 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 यहां देगी तो, ओ टांग खिला रही है, लगता है कि फिंगर हेड लॉक देने वाली है ये, फिंगर हेड क्या होता है अभी तक तो कुछ कर दे रही है साशा। देखें ओ बेली टू बेली सिग्नेचर सिग्नेचर लगाया क्या, मे बी। ओ ये काफी अच्छा मूव है साशा बैंक का यार, देखो यार क्या होता है। नहीं ये सिग्नेचर नहीं भाई, बट यार काफी मूव काफी तगड़ा था, सिग्नेचर नहीं था बट ये सिग्नेचर मार दी भाई, सिग्नेचर मार दी, सिग्नेचर लगा चुकी है। लेकिन अभी शार्लेट की एनर्जी काफी ज्यादा है, मुझे बैंक स्टेटमेंट मेरे को लग रहा पढ़ने वाला इसको। ओ, पढ़ गया। बैंक स्टेटमेंट, लेकिन अभी बैंक स्टेटमेंट पढ़ चुका है भाई। ओ काफी अच्छी जगह पे दिए, रोप भी बीच में नहीं आया भाई। ओ काफी एनर्जी चाह चुकी है शार्लेट की, अब क्या होता है देखते हैं। बैंक स्टेटमेंट लगा चुकी है, हेल इन द सेल में सबमिट तो बचा ली, बचा ली भाई। टटपिन रेफरी यार क्लिच कर गया यार, तुम अपने रेफरी को समझाओ यार। वो किक आउट कितने देर में, तो किक आउट भी कर दिया क्या यार रेफरी। अभी देखो भाई शार्लेट के बाद फिनिशर है, बचारी बचारी साशा भाई, ये फिर सिग्नेचर लगा दिया इसने, फिर से सिग्नेचर लगा दिया। ओ किक पिन, कम ऑन, 1 2 किक आउट यार, साशा बैंक्स तोड़ने वाली स्ट्रीक। चलो फिनिशर, बट अगर इस फिनिशर से बची तो, ओ रोप ब्रेक नहीं होना चाहिए यार, रोप ब्रेक होना, अभी पिन हो सकता है शार्लेट का, अब हो सकता है शायद पिन। ओ ये पिन करवा रही है क्या, अभी तो नहीं करवा रही, बच गई क्या शार्लेट, बच गई, बची तो नहीं, नहीं बची एकदम सर पे। अगर एक बार और दे दी ना फिनिशर, बस आने ही वाला है साशा मैं इसके स्वीक है दांव पर, और ये पिन लगा दिया इन्होंने, 1 2 3 साशा बैंक अपने स्ट्रिक को फिर एक बार फिर बचा लिए यार। साशा बैंक यार, क्या परफॉर्म कर रही है भाई, क्या परफॉर्म कर रही है साशा बैंक्स। अब शार्लेट और साशा बैंक यार ऑसम है यार साशा बैंक, यानी कि लगातार अपने स्ट्रिक को बचाती हुई आ रही साशा बैंक, क्या कौन छीनेगा इससे टाइटल, कौन छीनेगा इससे टाइटल। साशा बैंक्स यार स्ट्रिक कंटिन्यूज,
साशा बैंक का यार स्ट्रीक हो चुका है कंटिन्यू, अब देखते हैं भाई के क्या होता भाई है। भाई काफी मजा आया, भाई काफी मजा आया, मजा तो काफी आया। चलो भाई मुझे लगता है ये तीन मैच स्टार, ओ फोर एंड हाफ स्टार यार, ग्रेट मैच था, मुझे पता ही था ये ग्रेट मैच होगा भाई। चलो यार तुम्हारे भी पहला मैच लड़कियों का ग्रेट हुआ, ग्रेट हुआ है, लड़कियां इज्जत बचा ली। ओ फोर एंड हाफ लेवल थ्री चोटी कंटिन्यू, अब इसको सेमुलेट करते हैं। ये मुझे मैच अच्छा नहीं लगता है जब यार क्रूजर वर्सेस जायंट का मैच चलो एक नंबर होने वाला है। वन टू थ्री विनर जे उसो, वाह गुड गुड मैच, मतलब इन दोनों की राइवलरी को तुम बिल्डअप कर सकते हो। हाँ इन दोनों की टैग टीम दुश्मनी को बिल्डअप करूंगा भाई मैं। रोमन रेंस का प्रोमो यार फाइनली, चलो भाई ओके रैंडी ओर्टन के प्रोमो से कम है इसका। ओ भाई स्मैकडाउन में जो प्रोमो किया था रोमन रेंस वो 5 था भाई, वो यहाँ स्मैकडाउन की नहीं बैकलैश की बात हो रही है। ठीक है सिमुलेट कर, वन टू थ्री टन टन टन। ओ ये मैच ओके मेरा बीच वाला मैच डिसअपॉइंटिंग ही था। चलो ठीक है कोई बात, ठीक है अब जो है ये है मेरा मेन इवेंट टीएलसी। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, हो सकता है इस मैच में, अब नहीं पता, देख सकते हैं भाई, स्पेक्टेट करते हैं इस मैच को भाई। आ जा भाई आने, लैडर मैच है। ओ भाई अब देखते हैं शेमस जीत सकता है कि नहीं, आ जा भाई। भाई पिछले वाला लैडर मैच यार बहुत सही रहा था, अब देखते हैं यार ये लैडर मैच कैसा रहता है। आ जा भाई अब इस मैच में देखो शेमस और ड्रू मैकइंटायर, शेमस जिसको 2 वीक तक मैंने फाइट तक नहीं करवाया था वो अचानक बन गया न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, अचानक बन गया भाई। ड्रू मैकइंटायर को ये मौका फिर से मिल रहा है, रोमन रेंस की जाने से फोरफिट से विनर बन गए थे ड्रू मैकइंटायर, रोमन रेंस को हराया नहीं था। चलो अब देखते हैं कि अब ड्रू मैकइंटायर जीत पाता है कि नहीं। चलो स्किप चिंत करो यार, ये यार हमारा पहला पेपर यू का ये वीडियो है, तो यार इसको सपोर्ट करो और जाकर के और अच्छा बनाओ यार, और मेरी आवाज शेयर करो, एक्सक्यूज भी कर देना बहुत ज्यादा बैठ गई है। तो चलो ओ शेमस का इंटरेस्ट मुझे चैंपियन के रूप में देखना है यार। अच्छा चैंपियनशिप का इंटरेस्ट, हाँ भाई यहाँ चैंपियनशिप का इंटरेस्ट है, पहला ही अपना टाइटल मैच में, ओ टाइटल टंगा हुआ, सॉरी फिर भूल गया हम लोग यार, टाइटल तो ऊपर है ना। चलो यार इसको स्किप करते हैं, चलो शेमस यार तू जीत जाओ यार, शेमस प्लीज यार, शेमस जीत जाओ यार। चलो भाई मैच को करते हैं स्टार्ट, आ रही है ओ मैच रूल सा पता है। चलो ओ ये भाई लड़कियों से ठीक है, लड़कियों से ज्यादा तेज है यार ये दोनों, लैडर पहले वो शेमस लेने गया और इधर ड्रू मैकइंटायर लेने गया, ये लोग बट भाई चढ़ने नहीं देंगे एक दूसरे को ये लोग। ओ लैडर भी सेट कर दिए भाई, अभी कुछ ही नहीं होना है भाई, अभी लंबा है भाई, अभी ये लोग परफॉर्म करेंगे भाई, ये मेन इवेंट है यार, मेन इवेंट तो लंबा होना चाहिए ना यार, मेन इवेंट लंबा नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम। हाँ तो चलो तुम्हारा मेन इवेंट है भाई, मेरे शो का है, मेरा मेन इवेंट नहीं है भाई, मतलब तुम्हारे शो का मेन इवेंट है, देखते हैं यार कैसा होता है तुम्हारा मेन इवेंट। 1 2 3 4 5 अच्छा शेमस स्टन मीटर आ गया यार, शेमस का काफी जल्दी, ड्रू मैकइंटायर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ले ले भाई टाइटल, भाई वो टैप आउट नहीं स्लैम है भाई, स्लैम है भाई, बहुत खर्चा किया हूँ इस पेपर व्यू में यार, मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए, तुझे क्या लगता है? मेरा ज्यादा खर्चा नहीं हुआ तो मेरे को पैसे को लेकर के इतना नहीं है, मैं पैसे रिकवर कर ही लूंगा। चलो ठीक है, मेरे को फैंस रिकवर करने, फैंस इसमें रॉ से मैं सिर्फ 2 ज्यादा हूँ। लो भाई बचा लिया ड्रू मैकइंटायर, फिर से बचा लिया यार उसने, और यार अभी तक तो लैडर वाला सीन चालू भी नहीं हुआ है, रिंग के अंदर लैडर आ चुका है, रिंग के अंदर लैडर नहीं लैडर्स आ चुके हैं, 2 लैडर्स आ चुके हैं, शेमस की एनर्जी काफी कम दिखाई दे रही है, लैडर से मारो यार एक दूसरे को, लैडर से यूज करने दिया नहीं ड्रू मैकइंटायर ने, शेमस की एनर्जी काफी जा चुकी है यार। ये बैकलैश का दूसरा टीएलसी मैच है, पहले तो यार हो चुका आप लोगों के सामने, और ये पेपर व्यू आप लोगों को कैसा लगा बताओ यार कमेंट करके। पावर बम लैडर पे अरे वो बाहर फेंकने वाला है, शेमस बचा लेगा, नहीं बाहर नहीं फेंका, शेमस की एनर्जी पूरी डैमेज काफी हुआ है शेमस को, लैडर पर ये लोग भूल चुके हैं शायद कि लैडर मैच है यार, लैडर तोड़ने नहीं देंगे, सिग्नेचर आने वाला है, ओ मार दिया मार दिया मार दिया, आ जा रहा है यार लैडर, शेमस यार, अरे ये यार ये स्लैम लग गया यार, तुम्हारी लड़कियों से ज्यादा जल्दी ये मैच खत्म हो जाएगा, मैं चैलेंज लगाता हूँ, ड्रू मैकइंटायर का सिग्नेचर आ चुका है, तुम्हारी लड़कियों से ज्यादा जल्दी ये मैच, अब देखते हैं जरा जल्दी की बात नहीं, मैच को ग्रेड देना, ये ग्रेड का मैच ग्रेड था भाई, मेरी लड़कियों का मैच तेरी लड़कियों का मैच अच्छा था, अब बोल नहीं, दोनों सिमिलर, दोनों सिमिलर, तुमने स्टार्स देखा नहीं है, दोनों सिमिलर था, चलो ठीक है तब, दोनों सिमिलर है तब ठीक है, अब ये मैच, अब यार ड्रू मैकइंटायर गलत सेट किया ड्रू मैकइंटायर ने,
मैं देखना चाहता हूँ कि एक भी तोड़ पाता है कि नहीं। अभी तो नहीं फिलहाल हो पाएगा। अरे नहीं अभी तो गलत है यार, गलत लैडर, लैडर भी गलत सेट किया इन्होंने। तेरी लड़कियां तो लैडर ला भी नहीं रही थी अंदर भाई, इन्होंने तो मैच थोड़ा रिया रिप्ले ने वो बहुत काफी देर के बाद तो है। अरे यार तू ऊपर क्यों जा रहा है यार भाई, इन लोगों को ओ नहीं नहीं यहाँ मिल गया मिल गया मिल गया टैकल। चल 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 दिखा कितना जल्दी तोड़ना शुरू कर दिया। एक भी नहीं हुआ, मेरे को पता अभी एक भी नहीं होने वाला है भाई। यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच इतनी जल्दी थोड़ी ना, एक भी नहीं होने वाला भाई अभी। यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच है, इतनी जल्दी कैसे खत्म होगा भाई। ड्रू मैकइंटायर अब कम बैक कर रहे हैं, शेमस यार शेमस कम बैक कर रहा है। ड्रू मैकइंटायर काफी ज्यादा मार चुके थे बट शेमस कम बैक कर रहा है। शेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं यूनिवर्सल चैंपियन शेमस लैडर से भी मारना। अभी शेमस के पास चांस है एक दो बार तोड़ लेने का, उससे ज्यादा नहीं तोड़ पाएगा वो। मुझे लगता है शेमस सिग्नेचर या फिनिशर देके जाएगा। ड्रू मैकइंटायर के पास शायद सिग्नेचर आ चुका है लगता है मुझे, ड्रू मैकइंटायर ही शुरू करेगा भाई। लोग यार लैडर के सामने क्यों चढ़ जा रहे हैं, पावर बम लैडर पे अब आ चुका है भाई। कोई नहीं लैडर पे पावर बम मिला है भाई। ड्रू मैकइंटायर के पास सिग्नेचर है, ये नीचे क्यों जा रहा है भाई। टेबल्स लैडर मैच में टेबल्स ये लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं यार भाई। ड्रू मैकइंटायर अंदर आने की कोशिश कर रहा है बट वो नहीं आ पा रहा है। और अभी अगर शेमस चढ़ता है अभी कोई फायदा निकलना है नहीं, वो फिर गिरा देगा लैडर। कम ऑन कम ऑन ड्रू मैकइंटायर एक नंबर यार, क्या चल रहा है। एक बार यार शेमस एक बार कर चुका है मेरे भाई। ये देखो मेरे लड़कों का दम देखा तूने, देख रहा हूँ मैं तुम्हारा चैंपियन है भाई। चैंपियन चैंपियन स्टन हो रहा है वो। शेमस बचा लिया टाइटल, अब देखते हैं दो स्टन हो सकता है भाई। यहाँ से गिरने का चांसेस है मतलब कि बहुत स्टन हो गया। ओ बच गया, शेमस स्टन होने वाला था। लो ड्रू मैकइंटायर रिवर्स करके मारेगा ना तो वो स्टन हो गया। ड्रू मैकइंटायर अरे यार क्या शॉट, स्टन भी हो गया है शेमस के पास पूरा चांस। ये क्या कर रहा है शेमस, शेमस स्टन मीटर शायद अपना खत्म कर रहा है। हाँ स्टन मीटर खत्म, अभी भी चार से दो तीन करने का। शेमस यार क्या कर रहे हो तुम, शेमस यार कमॉन यार चैंपियन हो तुम यार। दो बारी गलती करी इसने, तीसरी बारी गलती करी। चल दो हो गया, तीन हो गया, ओ ड्रू मैकइंटायर फिर से आ चुका है, कमबैक कर चुका है मेरे भाई, फिर से आ चुका है। अब देखते हैं कि क्या करता है। अरे ड्रू मैकइंटायर ने बदला ले लिया भाई, क्विक बदला देखा, इतनी जल्दी जल्दी बदला होता है तेरी लड़की। ये तोड़ने के लिए नहीं, ये तो कूदने के लिए आगे। अरे फिनिशर आ चुका है शेमस के पास, शेमस के पास मेरे भाई नहीं लगा दिया भाई। शेमस अब शेमस तोड़ देगा भाई, शेमस ने यार क्या सही किया बट अगर ये तोड़ने गया तो हाँ ये तो गया तोड़ने। चलो ठीक है चार ओ भाई ये मिस कर दिया इसने, होने वाला बस बस चार। ड्रू मैकइंटायर नहीं जीत गया यार उस बार भी बेकी। और भाई ये क्या हो रहा है, हाँ दो और बाकी है ड्रू मैकइंटायर, दो और बाकी है यार। वी वांट यार देखना है यार एक बार क्लेमोर किक देखना है एक बार यार, क्लेमोर देखना है आपको यार, क्लेमोर दिखाइए यार, क्लेमोर यार क्या कर रहे हो यार। ये देख इसको बोलते ऑसम मैच, क्लेमोर दिखाओ यार, क्लेमोर वी वांट क्लेमोर। ओ रिंग से बाहर, रिंग से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है और ये फेंक भी दिया रिंग से बाहर। अब अगर सेट किया ना ड्रू मैकइंटायर तो जीत जाएगा लैडर, अब लगता है जीत जाएगा। नहीं 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 क्विक रिकवरी, यार क्विक रिकवरी है भाई 2K22 में यार। ये चीज तो है कि बंदे बहुत जल्दी उठ जाते हैं पर अगर देख जाइए कि शेमस गिराता है या फिर ऊपर चढ़ जाता है। शेमस मैं यही चाहता था, यही हो। अब लगता है शेमस जीत जाएगा भाई, देखो देखो कुछ कहा नहीं। अब जो गिरा वो हार गया, वो हार गया, वो पक्का हार, जो गिरा है वो हार गया, वो ये पक्की बात। गया गया ड्रू मैकइंटायर, शेमस रिटर्न कर लेगा, शेमस रिटर्न करने वाला है मेरे भाई लोग। क्या लगता है, मुझे लगता है नहीं, शेमस ने दूसरा रास्ता अपनाया है मेरे भाई लोग, यानी कि पूरी तरीके से बेहाल करके जाना चाहिए। स्टैंड हो गया और शेमस के बाद फिनिशर भी आ चुका, फिनिशर भी आ चुका है तो चैंपियन अब अपना डोमिनेशन दिखा चुका है। ओ पूरी तरीके से बेहोश करके जा रहा था शेमस, अब ठीक है। अब यार मेरे को लगता है कि शेमस रिटर्न करने वाला है बट यार गलती कर दी शेमस ने, फिर दो बार गलती, इतनी गलती माफ नहीं होगी शेमस यार। अरे यार कितना क्या होगा, घुमा घुमा के घुमा दिया इसने। अब ड्रू मैकइंटायर तोड़ लेगा भाई, गया शेमस के बाद पास बहुत सारे मौके थे बट उसने गवा दिए। अब देखना है कि ड्रू मैकइंटायर क्या क्या कर पाता है। मुझे लगता है ड्रू मैकइंटायर अब जीत जाएगा, अब देखते हैं, देखना है यही नहीं, अभी भी शेमस है। अरे इस बार भाई लास्ट मोमेंट का फायदा उठाते हुए ड्रू मैकइंटायर ये ऑसम मैच जा रहा। ओ स्टंट हो गया, अब तो गया भाई, अब तो गया शेमस भाई, न्यू चैंपियन। हमें लगता है कि यहां पर न्यू चैंपियन आने वाला है अगर ड्रू मैकइंटायर ने फैसला किया कि वो तोड़ने वाला है, तोड़ रहा है। और ये ड्रू मैकइंटायर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन,
ड्रू मैकइंटायर बन चुके हैं, न्यू ड्रू मैकइंटायर चैंपियन बन चुके हैं, और ये मैच भी मेरे को काफी अच्छा लगा। ऑसम यार, तुरंत खत्म हुआ, देखा मेरे लड़कों का मैच। ड्रू मैकइंटायर यार बन चुके हैं यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियन, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? चलो ठीक है भाई लोग, अमेजिंग ये मैच, अमेजिंग किया। चलो तो अब देखते हैं फाइनल रेटिंग। मुझे तो रॉ और स्मैकडाउन दोनों अच्छा लगा भाई। मुझे भी दोनों अच्छा लगा, चाहे जीते कोई भी, कोई भी जीते, पर मेरे को लगता है कि इस पेपर व्यू का विनर स्मैकडाउन होने वाला है। मुझे लगता है रॉ होगा। नहीं चलो देखते हैं, देखते हैं भाई लोग आ जाओ। रॉ 1-2 में जीता और 2 में स्मैकडाउन जीता है। मुझे लगता है कि स्मैकडाउन इंजर्ड, मुझे लगता है स्मैकडाउन विनर बन गया यार ओपनर है ना। हाँ मुझे भी यही लगता है कि स्मैकडाउन विनर बन चुका है, यानी रैंक 1 स्मैकडाउन। देखते हैं देखते हैं भाई, काफी कंफ्यूजन का माहौल है तो यार नहीं आ रहा। लेकिन मुझे रॉ और स्मैकडाउन पर्सनली दोनों पसंद आया, पर्सनली दोनों पसंद आया, दोनों पसंद आया दोनों। और खासकर यार टीएलसी मैच यार क्या सही हुआ, टीएलसी मैचेस हुए हैं भाई लोग, और बहुत सही सही टीएलसी मैचेस हुए हैं। टीएलसी मैच काफी खास हुआ है यार, बहुत अच्छा। चलो भाई लोग अब आगे बढ़ते हैं। लो भाई रॉ का आ गया है, जाओ मैंने 181,000 फैंस हो चुके हैं और 1,85,000 का प्रॉफिट हुआ है मेरे को भाई, हाई प्रॉफिट हुआ है। अरे मजा आ गया, तूने तो पैसे भी नहीं लगाए थे। अच्छा मैंने इसलिए पैसे नहीं लगाए, मजा आ गया, मैंने तो दिल खोल के खर्चा किया था। चल अब पर अपना नोट्स यार, क्या लुक लाइक फिन पिक्ड अप अ नॉक टुनाइट बट इट डिडंट सीम टू बैट। ठीक है, आस्का विन्स बाय डिस्क्वालिफिकेशन अगेंस्ट सैमी, हां वो रन इन के थ्रू। बेकी लिंच इज सच अ नेचुरल टीएससी, नीड्स टू सी, मतलब बेकी लिंच यार टीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार भी रही थी यार, बट यार अनफॉर्चूनेटली बेकी लिंच हार चुकी है। चलो टुनाइट रॉ वाज सो मच बेटर देन लास्ट वीक, ये भी तारीफ कर रहा है। तो मतलब रॉ का मेन इवेंट मैंने कहा था ना मेरे भाई लोग कि मैं धीरे धीरे करके दुश्मनी बिल्डअप कर रहा हूँ और उसके बाद में पेपर व्यू में इसका रिजल्ट दूंगा, तो मिला ना ब्रॉक। जैसे कि देखो ब्रॉक लेसनर की तारीफ हो रही है, ब्रॉक लेसनर ऑन अ ग्रेट रन राइट नाइट ऑन अ टोटल रैम्पेज भाई, डोमिनेट कर दिया बिगी को। ऑटन का भी तारीफ हो रहा है, नेचुरल ऑफ बी द गाय, और मैं इसका भी प्रोमो कट करवा करवा के इसको भी एक नए लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। चलो यानी कि ओवरऑल रॉक की तरफ से अच्छा गया पेपर व्यू, रॉक की तरफ से रेसलमेनिया बैकलैश बहुत सही गया है, बहुत सही गया है। अब देखते हैं स्मैकडाउन की तरफ से क्या है हालात। ओ सुपरस्टार ट्रेनिंग मिला है एक, तुमको पावर कार्ड मिला है एक तो सुपरस्टार ट्रेनिंग। चलो ये तो बाद में भाई, रैंक 2 हो गया है रॉ। अरे फाइनली स्मैकडाउन रैंक, क्योंकि ना मैं बताऊं क्यों, क्योंकि ना मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं करी और कुछ भी नहीं करा, और तुमने ना देखो यहां पर एडवर्टाइजमेंट फैन बोनस 0-0 और तुमको इसका फायदा मिला है भाई, मुझे पैसे। चलो रैंक पर फाइनली जा चुका है रॉ, शेमस एडवर्टाइजमेंट फाइन बोनस 1,99,000 फैन कमाया रॉ यार, इतने 1,14,000 पैसे भी काफी अच्छे मिल गए यार मुझे। बट चलो पैसे भी आ गए तो लगता है कि तुम नए टैलेंट्स को साइन इन कर सकते हो। शेमस एंड ड्रू मैकइंटायर बोथ आर फैंटास्टिक एट टीएलसी यार, मुझे काफी अच्छा लगा। उन दोनों ने ज्यादा ड्रामा नहीं किया, तुरंत तोड़ दिया, खत्म कर दिया भाई, खत्म कर दिया। ग्रेट मैच स्मैकडाउन टुनाइट, ये तो जेउसो गेट पे बैक ऑन ब्रॉन स्ट्रोमैन, जेउसो को पे बैक मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, इन दोनों का राइवलरी और चलेगा आगे। स्मैकडाउन है, स्मैकडाउन इज ब्रॉन स्ट्रोमैन ऑलराइट, ये तो चेक करना पड़ेगा। शेमस भी आ चुका है भाई, चलो ऑल इन ऑल डिसेंट इनफ प्रोमो बाय रोमन रेंस टुनाइट। तो भाई अब फाइनली 4 वीक के बाद स्मैकडाउन नंबर 1 ब्रांड बन चुका है, सुपरस्टार ट्रेन का कार्ड भी मिला है। तो पेपर व्यू जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रैंक 1 और फैंस का तू देख रहा है, फैंस काफी अच्छा है, काफी ज्यादा फैंस तुम्हारे पास इकट्ठा हो गए, बट मेरे पास कैश तुमसे ज्यादा है, कोई बात नहीं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि रॉ और स्मैकडाउन के चैंपियंस एक एक फिर से चेंज हो चुके हैं, ड्रू मैकइंटायर फिर से बन चुका है यूनिवर्सल चैंपियन और रिया रिप्ले न्यू रॉ वुमेन चैंपियन बन चुकी है। तो भाई लोग ये रहा इस हमारे जीएम मोड का पहला पेपर व्यू जो बैकलैश, तो आप लोग कमेंट जरूर बताइए कि आपको ये पेपर व्यू कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए यार, सिर्फ देख के छोड़िए मत, वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में एक नेक्स्ट जीएम मोड के वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सयोनारा। चलो भाई लोग थैंक यू एंड गुड बाय, टाटा, बाय बाय।